बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, SQS Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट ऑफ टुडे। नगर निगम की जिस भूमि को आधार बनाते हुए होर्डिंग्स कारोबारी ज्ञानेंद्र चौधरी व सचिन चौधरी को जिला प्रशासन द्वारा भू माफिया घोषित किया गया था, वह भूमि दरअसल सिंचाई विभाग की पाई गई है। राजस्व परिषद लखनऊ के आयुक्त और सचिव ने दोनों को भू माफिया घोषित करने को अनुचित मानते हुए जो रिपोर्ट जिलाधिकारी मेरठ को भेजी है, उसने सारी सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान लगा दिया है। भू माफिया घोषित होने के कारण ही मेरठ पुलिस दोनों के पीछे काफी समय तक पड़ी रही। यह बात और है कि दोनों ही पुलिस के हाथ नहीं लगे, अन्यथा आज दोनों ही जेल की हवा खा रहे होते। राजस्व परिषद की जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि सिंचाई विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आवागमन की सुविधा के लिए नाले पर स्लैब डाला गया है। पुलिस व प्रशासनिक अफसरों से बेहद नजदीकी संबंध होने व अपनी कार्यशैली को लेकर होर्डिंग्स कारोबारी ज्ञानेंद्र चौधरी व सचिन हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। पिछले दिनों मेरठ जिले में बड़े पैमाने पर पेट्रोल डीजल में मिलावट के खेल का पर्दाफाश हुआ था। IG आलोक सिंह की पहल पर पेट्रोल पंप पर की गई छापेमारी में कई सफेदपोश लोगों के चेहरे पर भ्रष्टाचार की काली पुत गई थी। चूंकि छापे IG ने डलवाए थे और पेट्रोल पंप जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो एक बार की पुलिस व जिला प्रशासन भी आमने सामने आ गए थे। मामले ने तूल पकड़ा तो इसकी गूंज लखनऊ के पंचम तल तक सुनाई दी। इसके चलते IAS और PCS अफसरों के बेहद नजदीकी संजय अग्रवाल के गिरबान तक भी पुलिस पहुंच गई थी। उनका आवास भी सील कर दिया गया था, जिसके बाद फजीयत से बचने के लिए पुलिस को वो सील खोल देनी पड़ी। मामला बेहद हाई प्रोफाइल होने के कारण इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। यह ऐसा चल रहा था कि एकाएक ही चर्चा के केंद्र से पेट्रोल पंप के काले खेल को हटाते हुए चौधरी ज्ञानेंद्र को बीच में ला खड़ा किया गया। दरअसल मेरठ देहरादून बाईपास पर चौधरी ज्ञानेंद्र व सचिन का दोआब विलास नामक होटल है। बताया गया कि होटल के आगे नगर निगम के नाले को कब्जा कर इसका निर्माण किया गया है। आरोप लगा कि 946 वर्ग मीटर जमीन कब्जाई गई है, जिसकी कीमत करीब 26 लाख रुपए आंकी गई है। आनन फानन में पुलिस रिपोर्ट लिखाई गई और जिला प्रशासन ने दोनों को ही भूमाफिया घोषित कर दिया। दिलचस्प बात यह भी है कि नाले पर डाले गए स्लैब के चलते दोनों को भूमाफिया घोषित कर दिया गया, लेकिन मेरठ में ऐसे तमाम बिल्डर हैं जिन्होंने सरकारी, गैर सरकारी, नगर निगम और प्राधिकरण की कीमती जमीनें कब्जा रखी, लेकिन उन्हें आज तक भूमाफिया घोषित नहीं किया गया। इस पर दोनों ने राजस्व परिषद का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि लेखपाल प्रहलाद सिंह क्षेत्र महरौली की अपूर्ण, स्पष्ट व नियम विरुद्ध लगाई गई रिपोर्ट को आधार बनाते हुए उन्हें भूमाफिया घोषित किया गया है, जबकि सिंचाई विभाग की अनापत्ति के बाद ही उन्होंने आवागमन की सुविधा के लिए नाले पर स्लैब डाले हैं। उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्म लाल वर्मा ने इस बाबत अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने नगर निगम, तहसीलदार, सिंचाई विभाग, लेखपाल आदि को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। लेखपाल प्रहलाद की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान खतौनी 425 से 430 फसली में खाता संख्या 307 पर छोइया यानी नाला का प्रबंधन नगर निगम के नाम दर्ज है। दोआब विलास के सामने नाले की चौड़ाई करीब 11 मीटर व लंबाई 86 मीटर है। मौके पर पानी की निकासी के लिए नाले की चौड़ाई 121 मीटर से 5.80 मीटर ही बची है। इस तरह नाले की भूमि को स्लैब डालकर ढक दिया गया है। जांच में यह भी पाया गया कि 24 मार्च 2019 को सिंचाई विभाग ने प्रतापपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस नाले का स्वामित्व सिंचाई विभाग का है और मैसर्स अंसल लैंडमार्क टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड सुशांत सिटी सेक्टर 3 ने नाले की भूमि पर कब्जा कर लिया। इन दोनों का कहना है कि सिंचाई विभाग से अनापत्ति के बाद ही उन्होंने नाले पर स्लैब डाला है, कब्जा नहीं किया है। निरीक्षण में यह भी पाया गया है कि जितनी भूमि नाले की बताई गई है, मौके पर उससे अधिक ही भूमि वहां छोड़ी गई है। उप भूमि व्यवस्था आयुक्त का कहना है कि लिहाजा दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर उन्हें भूमाफिया घोषित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन, सिंचाई विभाग, नगर निगम यानी इन सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान लग जाते हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई और किस आधार पर ही आनंद फानंद में उन्हें भूमाफिया घोषित कर दिया गया, जबकि अंसल लैंडमार्क टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड पहले ही नाले का स्वरूप व जगह बदलकर करीब आधा किलोमीटर जमीन पर अपने प्लॉट काट चुका है। इस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।